नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही इंदौर लोकसभा क्षेत्र से अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। बताया जा रहा है कि अक्षय बीजेपी विधायक रमेश मंदोला के साथ नामांकन फॉर्म वापस लेने गए। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया। नामांकन वापस लेने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके कहा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बाम जी का पीएम मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। इस मामले पर बोलते हुए कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि ये पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बीजेपी ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी है। खजुराहो की तरह अब इंदौर में भी पार्टी किसी अन्य को समर्थन देने को लेकर विमर्श करेगी। तो वहीं बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह नगर इंदौर कांग्रेस मुक्त हो गया है। जैसे मैंने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, और जब भारत अगर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में एक साथ मिलकर चल रहे हैं। और आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अभिनव चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अभिनव, पहला तो ये कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि किसका फेलियर है? बता दी कि मध्य प्रदेश इंदौर शहर से एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना सामने आई, राजनीतिक वाक्य सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं आपसे बता दी नेहा कि आज इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने अचानक इंदौर के निर्वाचन कार्यालय जाकर अपना फॉर्म वापस ले लिया, अपना नाम वापस ले लिया है। यानी कुल मिलाकर अब इंदौर के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं रह गया है। और अक्षय कांति बम ने बाद में शाम को बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। मैं आपको बता दूं कुल घटनाक्रम ये रहा कि आज सुबह अक्षय कांति बम जो इंदौर से लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो सुबह 8 बजे इंदौर में उन्होंने चौड़ीतराम मंडी में जनसंपर्क भी किया था और उनको वोट देने की अपील भी जनता से की थी। लेकिन एकदम से राजनीतिक घटनाक्रम एकदम से बदलता है और तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच अक्षय कांति बम बीजेपी विधायक रमेश चंदौला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं और वहां जाकर अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर उसके बाद एक वहां पर हलचल मच जाती, राजनीतिक हलचल का मच जाती, दौर में गहमा गहमी का दौर बढ़ जाता है वहां पर। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और रमेश चंदौला अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे एक सेल्फी लेकर वायरल भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं एक्स पे कि उनके साथ अक्षय कांति बम है। मैं आपको बता दूं कि इंदौर में जो बदलते समीकरण के बीच बीजेपी विधायक रमेश चंदौला के साथ कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया था। इसके बाद वहां गहमा गहमी का माहौल बन गया था इंदौर में और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के नाम वापसी में बीजेपी और कांग्रेसी आमने सामने भी हो गए थे, जिसमें विधायक गोलू शुक्ला और कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के बीच आमने सामने हो गए थे और उनके बीच गर्मा गर्म बहस भी देखने को मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि अक्षय बम जो है वो एक मजबूत प्रत्याशी माने जाते, पहले हम विधानसभा की तैयारी भी कर रहे थे, विधानसभा चरण तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। लेकिन अब
लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस ने इंदौर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। मैं आपको बता दूं, जब बात की गई अक्षय कांति बम से तो उन्होंने साफ साफ कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि राष्ट्रहित की भावना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है और मंचन पर अभी चलना शुरू किया था, बस रास्ता बदला है, बहुत साहसी निर्णय लिया है और मैं उठा तो एक कदम नहीं उठा पाता। ऐसे लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने खुद आरक्षण सीटें पर काम किया है। कांग्रेस में बड़ा हमला बोल रहे हैं उन्होंने और कहा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू कर वहां के लोगों का आरक्षण सीट किया है और वर्तमान में कांग्रेस अर्बन नक्सलाइट और वामपंथियों से घिरी हुई है। यानी कुल मिलाकर अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के को सवालों के घेरे में किया है। मैं आपको बता, लेकिन अभिनव, क्या आप ऐसा माना जाए जिस तरह से सूरत में बीजेपी पूरी तरह से मैदान में अकेले रही, पूरी तरह से बीजेपी का पूरा मैदान हो गया, क्या इंदौर में भी अब ये स्थिति है? मैं आपको बता दूं नेहा कि ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में लगभग पहले भी बनने वाली थी। खजुराहो लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं, खजुराहो लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी डी शर्मा बनाए गए थे, विष्णु शर्मा, तो उनके सामने इंडिया अलायंस के सहयोगी के तौर पर वो सीट समझौते के तौर पर समाजवादी पार्टी दी गई थी, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वहां पर भी राजनीति संपत्ति तेज हो गई थी, तो हालांकि इंडिया अलायंस का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आज लगभग अभी लड़ाई विष्णु शर्मा जीत गए थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने और अन्य पार्टी प्रत्याशियों ने मैदान नहीं छोड़ा था। उसके बाद इंडिया अलायंस ने अपना समर्थन वहां से जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आर्मी प्रजापति लड़ रहे थे उनको अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन वहां पर पूरी पिच साफ नहीं हो पाई थी। इसी तरह का फिर मामला सूरत में भी सामने आया और आज मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अचानक से निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना फॉर्म वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव ज्यादा जानकारी के लिए।